हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ इंग्लिश। वेल माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड स्टूडेंट्स, हम लौट आए हैं और लेके आए हैं आपका एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स का सेशन नंबर 8। राइट, दिस कोर्स इज टीचिंग यू सम रियली अमेजिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। राइट, तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले आप मेरे बारे में स्लाइड में जान सकते हैं। विल माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव, इसको यूज कीजिए और पाइए 10% का डिस्काउंट तुरंत। ओके जी, तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे यू विल गेट सम अमेजिंग फीचर्स लाइक स्टडिंग फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड लाइव लर्निंग, अनलिमिटेड एक्सेस एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन, सब आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ओके जी, तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी में आपका आस्क अ डाउट फीचर जो है वो अभी जनरल इंग्लिश में भी अवेलेबल है गाइस। राइट, तो इंग्लिश में आप लोग अपना डाउट का फोटो जो है अनअकैडमी को भेज सकते हैं एंड यू विल गेट अ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन इन हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। ठीक है, तो स्टार्ट आस्किंग। ये फीचर गाइस बता दूं प्लस पे ही है, नॉन प्लस वालों के लिए नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा हाल ही में एक बैच स्टार्ट हुआ है कल, जिसका नाम है जी टारगेट CDS 2022, अ कंप्लीट बैच कोर्स। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी इस बैच में। इसमें सुमित सर है, हिमांशु सर है, विशाल सर है, दिव्या मैम है, संदीप सर है, पंकज भट्ट सर है, मैं हूं और श्री प्रतीक सर है। राइट, तो एवरीवन इज एट योर सर्विस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस बैच में आप लोगों को एनरोल करना है इस लिंक से एंड रेगुलरली क्लासेस लगानी है, थिंग्स विल बी अमेजिंग। ओके, एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की भाई साहब, 31 मई को रात के 11:59 PM पे आपका प्राइस हाइक जो है हो जाएगा। राइट, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है वो 20% बढ़ जाएगी गाइस। तो डेफिनेटली ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, ये बचे हुए 3-4 दिन जो भी हैं। बस ये रेफरल कोड ध्यान में रखिए, माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव। ठीक है, इस रेफरल कोड को यूज कीजिए और पाइए 10% का डिस्काउंट तुरंत गाइस, तो टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है ना, तो इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कहां रेट बढ़ रहे हैं गाइस, आज के लिए ऑफर्स हैं CAPF पे 6 महीने पे 1 महीना फ्री, 24 पे 4 फ्री, 12 महीने पे 12 महीने का SSB फ्री, और सिमिलरली सेम ऑफर जो है आपका CDSF कैट का है। राइट, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, रेस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके सामने है। CAPF अभी इज अ डिफरेंट कैटेगरी, तो टेंशन लेने का नहीं गाइज। तो सभी लोग जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले डालिए, देर किस बात की। तो चलिए जी, शुरू करते हैं गाइज। तो एवरीवन whosoever is attending my class, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा शगुन। ओके जी, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट पहला idiom आज का, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। राइट, By leaps and bounds होता है normally, ठीक है? ये क्या होता है guys? फटाफट से, by leaps and bounds की मतलब थोड़ा आवाज को ignore करना, ठीक है? Construction चल रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि session नहीं लेंगे, session तो लेना ही पड़ेगा guys, ठीक है? तो मैं बोलूँ, she finished her exam by leaps and bounds। समझ रहे मेरी बात? जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो भाई साहब, हो सकता है उसको कुछ नहीं आता हो। ठीक है, सोचने वाली बात है भैया जी, सोचने वाली बात है ना? तो पहला मुहावरा आप लोगों के दिमाग में बिंदास चला गया होगा गाइस। राइट, तो नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं गाइस, दैट इज बाय वन सेल्फ। बाय वन सेल्फ गाइस, देखो, वन सेल्फ मीन्स खुद से, आई कंप्लीटेड इट बाय माई सेल्फ, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, बोलते ना गाइस बाय योर सेल्फ। तो हम ग्रामर में इसके साथ नहीं उलझते, एक फ्रेजल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? तो अलोन या फिर विदाउट असिस्टेंस। ठीक है, मैं लिखूं, आई कंप्लीटेड द एंटायर वर्क बाय माई सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आपको यहां पे वन सेल्फ ही लगाना है, आप यहां पे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। वन का मतलब होता है कि भाई जो आएगा उसके हिसाब से वो ढल जाएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग आपको बिंदास समझ में आ गया होगा। बाय द वे, है ना, बाय द वे आप यहां क्या कर रहे थे?
बोलते ना इंसिडेंट, हाँ भाई तू जानबूझ के यहां पे नहीं आया है, चल इंसिडेंटली आया तो कैसे आया, क्या करने आया, है ना। तो हम बोले भाई साहब बाय द वे व्हाट वर यू डूइंग हियर, बाय द वे व्हाट वर यू डूइंग हियर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो बहुत ही इजीली आप समझ गए कि भाई बाय द वे आप यहां पे क्या कर रहे थे। तो बिल्कुल ही इजी तरीके से आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा, राइट गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मैं बोलूं भाई साहब मैं तो ऐसा कोरा बंदा हूं, मैं तो मुंह पे बात कहने वाला बंदा हूं, राइट। आई आई एम अ पर्सन हु कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड। भाई मैं स्पेड को स्पेड बोल दूंगा, स्पेड इज अ हुक्म बेसिकली, राइट। कोई बात नहीं है, तो मतलब फ्रैंक पर्सन आप बोल दीजिए, ठीक है। फ्रैंक आ सकता है, जो आप लोग बोलते हैं कैंडोर, राइट। कैंडोर भी इसी का सिनोनिम है गाइस, ठीक है ना। तो कॉल अ स्पेड अ स्पेड, मैंने बोला ही कॉल्स अ स्पेड। अब इससे बढ़िया सेंटेंस बनाते, रुको। ही हैज अ हैबिट, ऐसा लिखिए, ध्यान दीजिए, ही हैज अ हैबिट ऑफ कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड, No matter who is in front of him। तो समझ रहे हो, वो समझ रहे हो भाई, उसको आदत है सीधी बात करने की, चाहे उसके सामने कोई भी हो। तो भैया जी बात समझ आ गई, बहुत ही सुंदर बात थी। Cannot cut the mustard, सरों नहीं कट सकता, राइट। सरसों को नहीं काट सकता कि भाई बीच में ना कुछ और भी आ जाता, मतलब इट इज टफ कटिंग दैट, राइट। समवन हु इज नॉट एडिक्वेट इनफ टू कंपीट और पार्टिसिपेट, ठीक है। मैं बोलूं भाई साहब इन फुटबॉल द इंडियन टीम cannot cut the mustard। अब I apologize, I don't mean to say this to India, right? बट चलो अपन देखते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंडिया की फुटबॉल टीम जो है क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है। I wish कि ये करे, राइट। आप देख लीजिए कि फुटबॉल में इंडियन टीम जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है भाई साहब, कि भाई वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचे, गेटिंग इट। कभी ना कभी वो दिन भी आएगा, है ना। जैसे हमने देखा स्कॉटलैंड अफगानिस्तान जैसी टीम्स जो है मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप में एंट्री लेने लगी है, तो भाई साहब इंडिया का भी देना आएगा, ठीक है। तो डोंट गो दैट वे, जनरल एक एग्जांपल बनाया फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। लो जी नेक्स्ट, कास्ट आयरन स्टमक। भाई साहब तेरा क्या लोहे का पेट, ठीक है। समवन हु हैज नो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विद ईटिंग एनीथिंग, भाई साहब वो कुछ भी खा सकता है। हाइना का नाम सुना है, हाइना, हाइनाज हैव अ कास्ट आयरन स्टमक एंड कैन इवन डाइजेस्ट द टीथ। भाई साहब देख सकते हो कि भाई साहब जो हाइनास लकड़ बग्घे नेचुरल स्केवेंजर्स हैं, ठीक है, ये डेड बॉडीज को खाते हैं, तो इनका कास्ट आयरन का स्टमक होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोई, ये शिकार के दांत तक चबा सकती है, उसको तक खा सकती है। तो जस्ट इमेजिन गाइस, तो एवरीवन गॉट माय पॉइंट, राइट ना गाइस। सेशन को लाइक तो कर दो यार, एक तो देखो तुम कमेंट करते हो कि सर इडियम्स की सीरीज बंद मत करना, ठीक है, लगाते तुम लोग हो नहीं, मैं आज ही इसकी 100 कर दूंगा, बस आज आपको दो ईडीएम के सेशन मिलेंगे, एक तो अभी आ गया, एक रात को 10 बजे डाल देते हैं, शार्प रात को 10 बजे आपको दूसरा ईडीएम का सेशन मिल जाएगा, मेरी आपसे जुबान है, एक तो अभी आया, ठीक है, आज ही मिल जाएगा दूसरा सेशन भी, और बोलो 100 कर देंगे, आज सेंचुरी करके सोएंगे, ठीक है। तो कैट्स एंड बुल स्टोरी, देखो कैट एंड बुल की कोई स्टोरी नहीं होती है, तो मतलब अनट्रू स्टोरी, ठीक है ना। मैं लिखूं
स्टोरी ऑफ हर या हिज कर लो, हिज रिलेशनशिप इज जस्ट अ कैट एंड बुल स्टोरी। मैं बराबर लिखता हूं तो इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा हो जाता है, प्लीज माइंड मत करना। वैसे अपनी हैंडराइटिंग ठीक है यार, होपफुली ठीक है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कैट्स एंड बुल स्टोरी एक अनट्रू स्टोरी। तो वेरी सिंपल बच्चा लोग, बहुत ही इजी था भाई साहब ये। लो जी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज 88 कैट्स एंड डॉग्स। भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ बारिश के लिए आता है। मैंने बोला आई कुड नॉट गो टू ऑफिस एज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। समझ रहे हो? आई कुड नॉट गो टू ऑफिस एज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। भाई ऐसा नहीं है कि आसमान से बिल्ली और कुत्ते गिर पड़े, नहीं। ये क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स की नेवर एंडिंग फाइट होती है, तो वैसा ही यू कैन से हैवी नेवर एंडिंग रेन के लिए कैट्स एंड डॉग्स यूज किया जाता है। तो बहुत बढ़िया गाइस। 89 चार्ली हॉर्स बेस्ट एग्जांपल हम हैं। मेरे भाई साहब लिगामेंट टूट गए थे, ACL PCL एंड LCL। ACL LCL रिकंस्ट्रक्शन हुआ, PCL पार्शियल रिपेयर हुआ। तो भाई साहब 3 लिगामेंट सर्जरी आई एंडमेंट, तो इसलिए तो इतना ऑफ पे रहा था। स्टिफनेस इन द लेग, अ लेग क्रैम्प, राइट? तो मतलब ओइंग टू इज बिकॉज ऑफ, राइट? या ड्यू टू चार्ली हॉर्स, ड्यू टू चार्ली हॉर्स ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेस। तो भाई साहब आप बहुत इजीली इस चीज को समझ गए हैं, शाबाश बचा लो। लो जी चीव समवन आउट। अब भाई साहब चबाना नहीं होता, मैंने उसकी रेल बना दी वर्बली स्कोल्ड समवन, है ना? किसी को वर्बली भाई साहब बहुत ही ज्यादा डांट देना, बहुत ही ज्यादा डांट देना, राइट? चीव समवन आउट। मैं लिखूं द टीचर, अपने पास डांटने के लिए टीचर ही है ना, द टीचर च्यूड हिम आउट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। भैया जी बताइए कैसा लगा, सबको समझ में आ गया? तो एक बार यार लाइक तो कर डालिए। तो हम एक रिवीजन करते हैं By leaps and bounds, फटाफट से, by oneself, अपने आप, by the way, incidentally, call of spade, move again वाला, can't cut the mustard, right? जो भाई अभी इतना सही नहीं है, इतना सक्षम नहीं है, cast iron stomach, जो भाई साहब कुछ भी खा सकता है, ठीक है? ये रहा, okay, cats and bull story, untrue story, cats and dogs, never ending, heavy rain, चार्ली हॉर्स स्टिफनेस इन लेग एंड चीव समवन आउट वर्बली स्कोल्ड समवन। तो भैया जी इसको ध्यान में रखिएगा कि रेट्स आपके बढ़ जाएंगे रात को 12:31 को, ठीक है? तो ओके बच्चा लोग, सेशन को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद भैया जी, जय हिंद। रात को 10 शार्प आपका नेक्स्ट ईडीएम का सेशन आ जाएगा, फिर हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे रे भाई साहब। ओके बाय बाय।